बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई थी, अब नवनियुक्त शिक्षकों के लिए के पाठक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिस आदेश का पालन करना होगा फिर जाकर नए स्कूल में ज्वाइनिंग मिलेगी। जो नवनियुक्त शिक्षक पूर्व से नौकरी में हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा नियोजित शिक्षक पद से और उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। 11 तारीख से 21 तारीख तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी है, नए स्कूल में योगदान देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, इसकी जानकारी जिला स्तर पर दे दी गई है। लेकिन नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग से पहले अगर वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अन्य कागजात लेकर आना होगा, फिर उन्हें दूसरे स्कूल में नियुक्ति मिलेगी। यह फरमान जारी होने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों में हड़कंप जारी है। प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खाली पड़े सीट की तैयारी कर ली गई है, रिक्तियां पता कर ली गई है, अब ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया जारी है। सारे शिक्षक जो ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिलावार तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और क्रिकेट पाठक के फरमान जारी हुए हैं और इन फरमान जारी होने के बाद अब नवनियुक्त शिक्षकों को नए फरमान के आधार पर इस्तीफा देने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर ज्वाइन करना होगा। यह बड़ी खबर निकल कर आई है और भी कई खबरें आवेंगी जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप देख रहे खबर बिहार 24। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।